राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो सभी लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ सभी फिट होंगे, तंदुरुस्त होंगे और फिट होंगे मेरी तरह, है ना? फिट होंगे मेरी तरह। मजाक को एक साइड रखते हैं और आते हैं सीधे पॉइंट के ऊपर। देखो, दुनिया का आधा हिस्सा ऐसा है जो कि भुखमरी से जूझ रहा है और आए दिन लोग भूख से मर रहे हैं। कुपोषण काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच चुका है एशियन, साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी, अफ्रीका तो है ही, साथ ही साथ हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी। लेकिन कुछ ऐसा हमारा भी हिस्सा है एक, जो कि ओबेसिटी से जूझ रहा है और इतनी ज़्यादा ओबेस हो चुके हैं कि सोते समय सांस लेने में दिक्कत हो रही है। चलते समय तो सबको होती है भाई, लेकिन यहाँ सोते समय भी सांस लेने में दिक्कत है। आज मैं आउटडोर फिर से आपके लिए हूँ और पीछे आप सुंदर नज़ारा देख सकते हैं और मुझे ये मक्खी जो है परेशान कर रही है। मक्खी मच्छर कुछ है परेशान कर रहा है, रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा। चलो जो भी है, ये इसे भी मुझे लेने, तो हम भी अपनी रिकॉर्डिंग जारी करते हैं। देखो, वेट लॉस कैसे करना है मैं आज इसके ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है? और साथ ही साथ एक बात मैं आपको सबसे पहले बता दूँ भाई, मैं कोई फिटनेस ट्रेनर, डाइट कोच या कोई इस प्रकार से, इस फील्ड से मैं नहीं हूँ, हेल्थ केयर से मैं नहीं हूँ, डॉक्टर मैं नहीं हूँ। बस वो बात कहूँगा जो मैंने खुद पर अप्लाई करी हुई है। आपको बता दूँ, मुझे देख कर आप अभी ये नहीं कह सकते कि मैं बीच में 90 किलो वजन का था। मैं 4-5 महीने पहले में जो मेरा बॉडी वेट था वो 92 kg था। जी हाँ, 92 kg मेरा बॉडी वेट था और जिसके चलते मुझे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने उसको कम किया। हर व्यक्ति की अलग अलग राय होती है, हर व्यक्ति का अलग अलग नज़रिया होता है और मैंने हर तरफ से, इधर से भी पकड़ा इधर से भी पकड़ा, तो सब कुछ मैंने आजमा करके अपने ऊपर अप्लाई किया और अपना वज़न को मैंने बहुत कम किया, लगभग 20-22 किलो से भी ज़्यादा, 90-82 किलो से मेरा वज़न, 92 किलो से कट करके अभी मेरा वज़न फ़िलहाल मेरा जो वेट है वो 67 के आसपास में है, 78 के आसपास में। अब बात करूँगा मैंने ऐसा कैसे करा। मैं देखता हूँ मेरे कई सारे दोस्त हैं डिफेंस की जो तैयारी करते हैं, वो जो है फिटनेस गुरु आजकल बने फिर रहे हैं बहुत सारे, उनकी अकेडमीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब वज़न बढ़ाने के लिए भी दवाई खा रहे हैं, वज़न घटाने के लिए भी दवाई खा रहे हैं, दौड़ने के लिए भी, स्टेमिना के लिए भी दवाई खा रहे हैं। मतलब यार हद है हर चीज़ की। मतलब आजकल ना पता नहीं क्या वो बन गया है कि खुद से कुछ करना नहीं चाहते लड़के। और ये जो वीडियो है ना ओबेसिटी, ये सिर्फ डिफेंस की जो तैयारी करते हैं उनके लिए नहीं है, ये तो हर किसी के लिए, इंडिया में कोई भी जो भी मोटा तगड़ा हो रहा है भाई उसके लिए वीडियो है। मैं कभी, मैंने जो है अपने वज़न को लेकर के मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि मेरा बॉडी मास जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, मसल मास जो है काफ़ी ज़्यादा ठीक था, तो मुझे लगा नहीं कभी कि मैं ओवरवेट हूँ। लेकिन जब मैंने डिफेंस की फील्ड में जब मैं आया तो मुझे पता चला कि ओवरवेट नाम का भी कोई चीज़ होता है, तब मैंने अपना वज़न घटाना शुरू किया और तेज़ी से मैंने जो वेट था अपना बॉडी का वो रिड्यूस किया। तो मैंने कैसे किया, देखिए पहली बात आपको एक बात मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पर, कि मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप जो मैंने किया वो भी आप फॉलो करें भाई। हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके की होती है, तो हर शरीर की अलग नीड है और हर शरीर को अलग तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, और सेम मेरे साथ भी है और अलग आपके साथ भी ऐसा ही है। तो आप ब्लाइंडली मेरी चीज़ को फॉलो मत करना, क्योंकि मुझे नहीं पता ये साइंटिफिक प्रूफ है या नहीं है, साइंटिफिकली प्रूफ है नहीं है, बस मैं वो बात आपको बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आजमाया है अपने समय, अपने वजन का लॉस करने में। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको फॉलो करें, बिल्कुल फॉलो मत करना अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आई तो, मैं सिर्फ वो आपको एक बात बता रहा हूँ बस, ये समझ लीजिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे मेन जो चीज़ है अगर आपको बॉडी वेट घटाना है तो वो है डाइटिंग। हाँ, तुम कितना दौड़ लो, कितना फिजिकल एक्टिविटी कर लो, मैं लगभग 5-6 किलोमीटर दौड़ रोज़ दौड़ता था और फिर आकर के चाय पी लेता था, मिठाई खा लो, समोसे, चाउमीन, मैक्रोनी, पास्ता, है ना, ये सब चल रहा है, फिर खूब ठूस ठूस के खा रहे हैं। तो भाई 5-6 किलोमीटर आप दौड़ रहे हैं उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आप कितना खा रहे हैं। सच बात तो ये है, लोग कहते हैं ना कि खाना, डाइटिंग कम मत करो आपके शरीर पर बुरा असर पड़ेगा, कुछ असर नहीं पड़ता, ठीक है? एक बात जान लो, ना खा के आदमी नहीं मरता है, ज़्यादा खा के आदमी मरता है। बीमारियाँ जो देख रहे हैं ना आप, ये हज़ार किस्म की बीमारियाँ जो आजकल लग रही हैं वो अत्यधिक खाने की वजह से हैं, ना कि ना खाने की वजह से, ठीक है?
तो एक बात ये ध्यान रखो आपको अपने मन में, तो अपने डाइटिंग को आप कंट्रोल कीजिए, सबसे पहली बात है। कैलोरी डेफिसिट में रहिए, अभी आपको पता नहीं होगा कैलोरी क्या होती है, कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, बहुत झोला है इसमें, झमेला है। अगर आप किसी भी फिटनेस ट्रेनर की वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें वो बताएगा कि किस प्रकार से हम इस कैलोरी क्या होती है क्या नहीं होती है। खैर मैं ज़्यादा साइंटिफिकली बात नहीं करूँगा, पर इतना बताऊँगा कि हम जो भी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है कैलोरी की, और हम जो खाते हैं वो खाना है कैलोरी ही हम खा रहे समझ लीजिए एक प्रकार से, जो भी हम खाते हैं उसमें कैलोरी होती है, ऊर्जा है। अब मान लीजिए आपने 3000 कैलोरीज खाई हैं और आपने जो खर्च किया है वो 2000 कैलोरी खर्च किया है, तो बच गया कितना, 1000 कैलोरी। वो 1000 कैलोरीज कहाँ जाएगा, वो आपके शरीर में स्टोर हो जाएगा, यहीं पर ही अटका रहेगा। और अगर आप ऐसा लंबे समय तक करते हैं, 4 महीने 5 महीने 6 महीने साल तक, तो वो कैलोरी जो है वो स्टोर हो करके आपको मोटा कर देगा, तगड़ा कर देगा, क्योंकि वो खर्च तो हो नहीं रहा, वो बस फैट में तब्दील हो जाएगा और आप हो जाएंगे मोटे तगड़े हल्क। तो सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट में आइए, आप देखिए कि आपको कितनी वज़न लूज़ करना है और कितना नहीं करना है, उस हिसाब से मैं आपको एक एप्लीकेशन रिकमेंड करूँगा। मैंने भी यूज़ किया है, अभी भी यूज़ कर रहा हूँ मैं, हेल्दी फाई मी एक ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जाकर के आप सेट कीजिए अपनी हाइट आपकी क्या है, आपका अभी का करंट वेट क्या है, और आपका जो आप जो अचीव करना चाहते हैं वेट गोल क्या है आपका, वो आपको बताएगा कि आपको कितना कैलोरीज कंज्यूम करना है, कितना कैलोरीज आपको बर्न करनी है, उस हिसाब से आप एक पूरा चार्ट आप बनाएंगे। हेल्दी फाई मी डाउनलोड कर लेगा भाई, इतना तो कर सकते हो ना, मेरी बात मत मानना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात मानो, पर एक ऐप तो आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, ठीक है, खुद से कर लेना आप डाउनलोड, चाहते हो कर दो, सच में एक बार इसे भी फॉलो करके देख लो। अब उस वहाँ पर आप जाके देखिए, डालिए आपकी टारगेट गोल आपका क्या है, तो आपको बताएगा कि आपको जो है इतना कैलोरीज से आपको कम खाना है और इतना कैलोरीज आपको बर्न करना है। बर्न कैसे करेंगे आप, कैलोरीज खाने का हो गया, सब जितना भी आपका है ना भाई, वजन कम करना है तो मीठा ख़त्म कर दो पहले, चाय वाई मत पीना बिल्कुल भी, चाय चीनी गुड़ शक्कर मिठाई सब ख़त्म, और फास्ट फूड और आपका जितना भी जंक फूड है सब ख़त्म, कोई पिज्ज़ा चाउमीन बर्गर मोमो कुछ नहीं खाना, ये आपका भी सही हो गया, फिक्स बिस्किट नमकीन टॉफ़ी कुछ नहीं है ना, और ओयस चॉकलेट्स और आपका जो भी है ये कुरकुरे वगैरह कुछ नहीं खाना, कुछ मतलब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ घर का बना हुआ शुद्ध खाना आपको खाना है, वो भी कम, कभी कभी हफ्ते में एक आध दिन चल जाएगा, हफ्ते में कभी कभी चल जाएगा, लेकिन बाकी आपको रेगुलरली जो बता रहा हूँ वो फॉलो करना है। आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हेल्दी फाई मी ऐप में जा करके आप अपना रोज़ करा लेंगे कि आज मैंने सुबह 2 रोटी खाई, तो आपको बताएगा कि कितने कार्ब्स आपने खा लिए हैं, कितना आपने फैट्स यूज़ कर लिया खा लिया है, और कितना आपको प्रोटीन मिला है, तो प्रोटीन को भी आप साथ में डाइटिंग में लेते चलिए, मेंटेन करके चलिए, बैलेंस डाइट लीजिए। और ये तो हो गया खाने पीने के लिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सबसे मेन है एक चीज़ आपका वो है कि हम कंज्यूम कैसे करें, घर में लेटे लेटे तो कंज्यूम होगा नहीं, तो कोशिश कीजिए जितना हो सके फिज़िकल एक्टिविटीज़ आप किसी, अगर आप दौड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो सिर्फ कार्डियो कर लीजिए, दौड़ना फुल पेस में नहीं दौड़ना, हल्का हल्का 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर स्लो रनिंग कीजिए और लॉन्ग रनिंग कीजिए, वो काफ़ी बेहतर है। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो पैदल चाल भी, या मॉर्निंग वॉक जिसे आप कह सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप तो आपको ऑटोमेटिकली जब आप हेल्दी फाई में आप डाउनलोड करते हैं तो आपकी वो गूगल लोकेशन वगैरह परमिशन मांगेगा, उससे आपको स्टेप वगैरह भी काउंट करता रहेगा, तो आपको बताएगा कि आप कितना कैलोरीज आप बर्न कर चुके हैं और कितना आप कैलोरीज इनटेक कर चुके हैं, वो सब आपका उसमें हो जाएगा। और डे के एंड में आप जाके चेक कीजिए कि कितना आपका जो है आपका जो गोल है वो अचीव हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, फिर से मैंने वही कहा कि देखो ये चीज़ मैंने अप्लाई करी है खुद पर, क्योंकि मुझे डिफेंस की तैयारी करनी थी तो मुझे अपना वेट कम करना था, और मुझे सिर्फ वेट ही कम नहीं करना था, मुझे दौड़ना भी था। मैंने हाल फिलहाल में ही जो है कुछ मंथ्स पहले पुलिस के एग्ज़ाम्स भी मैंने फिज़िकल भी मैंने क्लियर किए हुए हैं, और साथ ही साथ जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है वहाँ के भी उसके भी मैंने फिज़िकल क्लियर किया हुआ है, तो 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर 1600 मीटर ये सब मुझे आदत है दौड़ने की, अब हो चुकी है, पहले नहीं थी अब हो चुकी है, और ये खुद पर आजमाई हुई हैं, तो इसी वजह से मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे कोई ऐसा, मैं कोई फिटनेस कोच नहीं हूँ, कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो फॉलो एक बार जरूर कर लेना, और ये जो अनाप शनाप की दवाइयाँ खाते हो ना ये मत खाओ भाई, मेहनत
से ही सब पॉसिबल है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, पसंद कोई बात नहीं, समझ में आनी चाहिए है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, बिल्कुल भी देखो सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर देना। और मैं ना वैसे मेरा जो ये चैनल है ये सिर्फ एग्ज़ाम्स को रिलेटेड है, कोई ये डाइटिंग फिटनेस वाला चैनल नहीं है। लेकिन हमारे जो मेरे दोस्त हैं, जान पहचान के हैं, मेरे जानकार हैं, जो डिफेंस की तैयारी करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो ओवरवेट है काफ़ी, और फिर मेडिकल में दिक्कत आती है बाद में, तो मैंने उन्हीं को ही मेन फोकस करके बनाया हुआ है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि वेट ऐसा कुछ वो नहीं है कि सिर्फ हमें ही अपने आप को फिट रखना है, यंग गाइस को, बॉयज़ को, ये तो हर एक की समस्या है। तो कोई भी इसको देख सकता है, वीडियो को कोई भी देखिए, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। और फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, टाटा।